हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एनएस जी ब्रो, कैसे हैं आप? मेरा नाम जीशान अली है और मैं हूँ पंजाब से, पाकिस्तान से। और इंशाल्लाह ताला मैं भी नेक्स्ट ईयर आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया आईटी के लिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सारे ने की हाल चाल? तो जी अज आप चलें जी मैकबुक ली केस लिया, यानी कि बैग लिया जी जी, क्योंकि अपना वाला जो पहला बैग है जी उस लैपटॉप बैग वाले ना पॉकेट जी नहीं हैगी, तो अच्छा आप ही लैन चलिए। तो ये रहा जी अपना मैकबुक एयर। तो बस अब फुली सेटअप कर लिया जी, ए टू जेड जो कुछ भी होने वाला है फुली अपडेटेड है ये। अब कोई चक्कर नहीं है, बस जी अब इसके लिए केस लेना है, तो चलो चलते हैं जी। एक और चीज़ आपको बता दें, जो एडिडास के फेरल विलियम्स होते हैं, ये अगर आपने सॉक्स नहीं पहननी तो इसमें ये लगा होता है, ठीक है, तो आप नहीं पहनोगे। अगर आपने सॉक्स पहननी है तो इसके ऊपर से भी पहन सकते हो, लेकिन ये इसकी नहीं तो ग्रिप बहुत है, ठीक है, आपको सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर सॉक्स पहननी है तो इसको निकाल दो, अगर नहीं पहननी है तो इसको डाल लो, डायरेक्ट भी पहन सकते हो, तो फिर आपको सॉक्स वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रेडी है जाने के लिए, तो चलते हैं जी। अब तक खाते हैं आपको बाहर के नज़ारे। एक लेनी है ये हुडी अगर पसंद आ गई सही रेट में, और एक लेना है जी लैपटॉप का केस। हाँ जी, आ गए हैं जी बाहर। तुहानू दस्या सीगा जी पहली वीडियो च, कोई नहीं पता लगता जी इत्थे वैदर दा। हुण देखो जी शाम ही हो गई आ, धुप धुप दा जी कोई हिसाब किताब नहीं जी इत्थे, कि कदों बदल हो गया कदों मींह पै गया। चलो जी दिखाई चलते जी तुहानू अगे की कुछ है जी। हाँ जी, इत्थे जनता ने गन्ने भी ला रखे है जी, गन्ना भी होंदा जी इत्थे, आ घरां च लोकां ला रखे आ, पता नहीं खांदे कि नहीं खांदे। केलियां कूलियां दे भी रुख हैगे जी, ते काफ़ी खेती खूती दा कम करी जांदी जनता। जिधर जी काम चाहिए, मतलब ने एक चिंके का घर आने काफ़ी सब्जियां सुब्जियां ला रखी, जनता ला लेंदी है जी सब्जियां, कोई इन्हें चक्कर नहीं है। तो भाई आप देख सकते हो वैदर का तो ऐसा है जी, देखो इधर है शाही उधर है धूप, वो देखो जी जहाँ पर लाइट है, हिसाब किताब नहीं है। सॉरी पहले जी पंजाबी में स्टार्ट हो गई थी वीडियो, कोई चक्कर नहीं था ना, जनता समझती है सब पूरा, ठीक है जी। और भाई एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे जनता ताले तुले नहीं लगाती जी अपने घरों को, लॉक वगैरह नहीं होते, बहुत कम ही लोग हैं जो लॉक लगाते हो। मेरे हिसाब से जितने मैंने देखा है आज तक किसी ने लॉक लोग नहीं लगाया होता जी, बस मैं तो लगाता हूँ क्योंकि भाई मैं अकेला रहता हूँ। बाकी जैसे जहाँ वो भाई लोग रहते मेरे दूसरे, तो वो लोग लॉक नहीं लगाते जी, ऐसे ही आए थे यहाँ पर, कोई नहीं छेड़खानी करता अपने आपके सामान से, और ना कोई आपको कुछ कहेगा। और यहाँ पर जनता का ऐसा है जी, अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, अगर कोई ठोक भी जाता है तो बंदा अपने आप तुम्हारे घर पे आके बताने आ जाता है कि भाई मैंने तेरी गाड़ी ठोक दी है, तो जो बनता सरता अपना ले लो। तो यहाँ पे जनता इतनी अच्छी है, आप हिसाब लगा सकते हो। और इंडिया में तो ठोक के भी नहीं बंदा मानता कि हाँ मैंने ठोका है, तो ये हिसाब किताब है यहाँ पर, जनता अच्छी है जी। कर रहा है जी तो भाई लेना है आज इसके लिए कवर बच्चे के लिए, क्योंकि अपना जो बैग है इसमें वो लैपटॉप वाला जो एक सेक्शन होता है ना वो नहीं है, तो इसके लिए अलग ले लेते हैं। और एक हुडी देखनी है क्योंकि ठंड का मौसम चालू हो गया है, ऑलरेडी बता रखा है जी आप लोगों को कि लेनी है जी। देखते अगर सही रेट में मिली तो ही लेंगे, अगर ज़्यादा महंगा होगा तो नहीं लेंगे जी, फिर देख लेंगे फिर कभी बिग डब्ल्यू चले जाएंगे फिर किसी दिन, क्योंकि अभी जाना है जी के मार्ट में खाली, क्योंकि यहाँ पर सस्ता मिल जाता है जी बैग वगैरह, इसलिए के मार्ट। तो आप बहुत बार देख चुके हो जी मेरी वीडियो में, ये है जी के मार्ट, ये जो शहर है ना फोर्ट मैकरी छोटा सा है, ठीक है, तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है पास पास में, कोई ज़्यादा वो चक्कर नहीं है कि इधर उधर आपको भागना पड़ेगा। आप देखते हो जी कोई भीड़ भाड़ वाला काम नहीं है, सब लोग शांति से जाते हैं जी। जैसे मेलबर्न सिडनी में तो बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी बड़े शहर हैं, तो बड़ा सुकून है यहाँ पर, बहुत कम गाड़ियाँ हैं, मतलब उतनी भीड़ नहीं है शहर के हिसाब से, जितना शहर है उसी हिसाब से जनता है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ पे दिखा दें ये साल, ये पता नहीं जी कौए हैं क्या हैं, लग तो कौए जैसा रहा है लेकिन थोड़ा सफ़ेद है ये बीच बीच में। भाई एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना अपन ने लिया है $250 का, वो बंदा था जी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर जिसने बेचा है ना,
टेफ यूनिवर्सिटी का था, मैं सीसी यूनिवर्सिटी में हूँ, और जो जिस चीज़ का वो लेक्चरर है तो भाई आपका भाई वो स्टडी कर रहा है, तो इस चक्कर में बंदे ने सीधा $25 का डिस्काउंट दे दिया। तो उसने मेरे से पूछा, बोला कितने में बात हुई, तो मैंने कहा 275 में, तो बोला कोई चक्कर नहीं, कह रहा तुम 250 दे दो। मैं सही है जी, $25 में तो अपना कवर आया ना इसका, जो केस लेना है जी इसका, बैग वगैरह अपना काम चल गया जी, कवर केस तो वैसे भी लेना पड़ता, उससे अच्छा है कि थोड़े बच गए तो अच्छा जी। एंटर करके जी के मार्ट में, तो पहले थोड़ी हिचकिचाहट होती थी जी, अब कोई शर्म नहीं है बोलने में किसी के सामने, अपनी वीडियो जी अपन बोलेंगे, पहले लेते हैं जी कवर, फिर देखते हैं हुडी वगैरह क्या करना है भाई लोग। ये जी कवर वगैरह इनके केस वगैरह, तो $12 लगे जी, तो सर गए जी काम सस्ते में, 12 का जी 15 की हुडी है, काम चल जाना जी अपना। तो अब चूज़ कर लेते हैं जी कौन सा लेना है, पहले कौन सा अच्छा लग रहा है ना वो देख रहे हैं, क्योंकि अपना ये 13 इंच वाला, तो 13 इंच वाले लेना। तो भाई आप वेट करो, लेकर बताते हैं जी कौन सा लिया। ये वाला ले लिया बैग, एक और था लेकिन उसमें ये पकड़ने वाला नहीं था, वो मेरे को ज़्यादा पसंद आया था, तो इस चक्कर में जी वो नहीं लिया, उसकी फ़ोटो डाल देंगे, उसमें ये पकड़ने वाला, उसमें ये साइड में जीपे भी। पहले हुडी नहीं दस ले रहे, क्योंकि यहाँ पे 15-15 की, और मेरे हिसाब से नहीं लगता ये उतनी वर्थ है। ये हैं जी इधर हुडियाँ, मेरे को इनमें से कोई नहीं पसंद आई, इसलिए नहीं ले रहे हैं जी। 15 में बिग डब्ल्यू में जाएंगे, वहाँ थोड़ा सस्ता भी है, बिग डब्ल्यू में देखते हैं जाके। बाकी यहाँ से बैग ले लिया बहुत है यहाँ के लिए। तो भैया जी आ गए जी केमार्ट से बाहर, ले लिया खाली बैग, तो अब जाना जी बिग डब्ल्यू। बिग डब्ल्यू में ये कि चीज़ें चाहे मैं कह रहा हूँ सस्ती मिले ना मिले, लेकिन भाई उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। लोअर वगैरह लिए थे तो मज़ा आ गया जी, क्वालिटी बिल्कुल टन है। तो अब जाना है जी बिग डब्ल्यू, यहीं पे सेटलमेंट सिटी, ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं है, तो पैदल ही चले जाना है, बात करते करते जी आप लोगों से। और भाई सब कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो स्पाउस वाला सिस्टम है वो बंदा साथ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या सिस्टम है। तो भाई अगर आपने साथ में लगाना है तो साथ में लगा सकते हो, ठीक है, अगर आपने बाद में लगाना है तो कम से कम भाई 3 महीने की प्रोसेस लग जाती है, 3 से 3.5-4 महीने की प्रोसेस लग जाती है। जिसने भी लगाना है भाई तो लगा लो, ये साथ में लगा लो, बाद वाला काम मत करो, पहले आ जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि साथ में आओगे तो भाई जो आपके साथ आपकी घरवाली आ रही है या कोई भी, या आपका घरवाला आ रहा है तो वो काम कर सकता है, एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस वगैरह निकाल सकता है, ये फ़ायदा है। और जब भाई मैं एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं भाई कब आना चाहिए, जब वीज़ा आ जाए, कोई चक्कर तो नहीं पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, भाई जब वीज़ा आ जाए तभी भागाओ, क्योंकि जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आप काम ढूंढ पाओगे। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो भाई आप काम नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि 2-3 दिन क्लासेस हैं तो काम थोड़ा ढूंढ पाओगे भाई, पहले काम ढूंढो, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और अच्छे से जब आप क्लासेस स्टार्ट होने से 1-1.5 महीना ही पहले आ गए ना, तो भाई अच्छी खासी कमाई कर लोगे, कोई चक्कर नहीं रहेगा फिर। और भाई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले आ गए तो आप काम नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप TFN पे काम करते रहो, कोई चक्कर नहीं है। और भाई पहले आने से ये है कि आप थोड़ा घूम फिर लोगे, चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कि कहाँ सस्ती मिलती है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या मिलता है, सब सिस्टम पता चल जाता है जी अगर आप पहले आ जाओगे। अगर जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई आप तब आ रहे हो, आप जॉब भी ढूंढ रहे हो, घूम थोड़ा पाओगे, बड़ी दिक्कतें आई थी सब लोग। भाई घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घूमोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। और भाई एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे अपने इंडिया में होता है ना, जब एंट्री करते मॉल में तो भाई मतलब जहाँ किसी स्टोर में एंट्री करते तो बैग जमा करवा देते हैं, वो पॉकेट में कुछ लगा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आओ जाओ जैसे मर्जी, लेकिन ये कि यहाँ पे ईमानदारी इतनी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर कुछ मसला लग नहीं रहा है, अच्छा 12 में अच्छी लग नहीं रही मेरे को, कोई भी पसंद आ नहीं रही, पता नहीं क्यों भाई। ये जराबे जरूबे लगी $10 में, जराबे जरूबे भाई इंडिया से ले आओ, मतलब भर की, ये तो महंगा ही पड़ता था। ये 25 की तो ज़्यादा नहीं भाई इतने पैसे लगा के, वो है तो 12 में, लेकिन उनका कुछ हिसाब किताब लग नहीं रहा है जी, वो अच्छी नहीं लग रही, तो ले कैसे ले। ये 2 हुडियाँ उठा के लाएँ, अब देखते हैं कौन सी अच्छी लगती है,
कौन सी नहीं, ठीक है जी। तो जी आ गए हैं बिग डब्ल्यू से भी बाहर भाई, वहाँ भी मेरे को अच्छी नहीं लगी, अपने देखा ही है जी, कुछ मेरे को हिसाब किताब तो लगा नहीं है उनका। अभी ठंड चालू हुई नहीं है तो इस चक्कर में शायद स्टॉक नहीं है इनके पास, जब ठंड चालू हो जाएगी स्टॉक और भी आ जाएगा। तो अब कुछ खा भी लिया जाए भाई, भूख बहुत लगी है, तो जा रहे हैं जी मैकडोनल्ड, तो वहीं से कुछ लेते हैं। हाँ चीज़ जान कर दी जी मुस्टैंग। हाँ जी खा पी लिया जी, आ रहे हैं जी घर नू, बैग ले लिया ते हुडीज़ वगैरह दा नहीं होया जी कुछ भी। मैं तो कहना जी हुडियां वगैरह दी इंडिया तो लिया जिन्नी भी मिलती वधिया जी, उत्थे थोड़ा सही है कम, जे हैगी लै आओ इतों ही मिली जाने जी, देखे जी $12 दियाँ। पर जिमें अपने उत्थे काफ़ी दुकाना वगैरह तो मिल जाए ना सस्तियाँ सस्तियाँ वधिया वधिया प्रिंट वालियाँ, वो चीज़ नहीं हैगी जी इत्थे। तो अगर आपको बड़ी बड़ी प्रिंट वाली चाहिए और अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो भाई इंडिया से ही लेके आओ, अच्छी क्वालिटी तो यहाँ भी, लेकिन भाई यहाँ बढ़िया प्रिंट नहीं मिलती जी, बस ये मसला है। हाँ जी भाई, तो ये अपना मैकबुक का बैग ये ले लिया जी $12 का, ये इस पर लिखा भी हो 13 और 14 इंच के लिए है। तो एक और था काफ़ी वो अच्छा बॉल लग रहा था मेरे को, लेकिन उसमें ये पकड़ने के लिए नहीं था और ये जिप्स वगैरह नहीं, क्योंकि भाई चार्जर वगैरह भी डालना है तो एक ही सेक्शन में नहीं डाल सकते ना दोनों चीज़ें, तो इसीलिए भाई ये लिया। इसमें ये इधर भी है और इधर से भी खुल के आ जाता है, ठीक है। तो ये है, अब डाल के दिखा दें, पूरा सेफ आता है ये बिल्कुल बीच में, भाई नीचे पड़ी गंदगी में मत जाना, वो डेली रहती है ऐसे। तो भाई इजीली आ जाता है इसमें, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आराम से सो जाता है इसमें बच्चा, बस बढ़िया काम। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और बाकी मैंने आपकी तमाम वीडियो देखी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं आपके काम की तारीफ कर रहा हूँ, ये आपकी तारीफ नहीं आपके काम की तारीफ। बाकी आपकी मेहनत है, अल्लाह आपको और तरक्की दे, ऐसे ही लोगों की आप मदद करें, वीडियो बनाएं अपलोड करें, थैंक यू वेरी मच। इस ये आपकी वीडियो से लोगों की बहुत मदद हो रही है। और बाकी भरा पंजाबी के अंदर गुड लक, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सारी सपोर्ट करें, नाल अल्लाह हाफिज़।